अध्याय 19 श्री गणेशाय नमः। हे आनंद कंद समभावदर्शी, मैं आपके चरण कमलों को अनन्य भाव से नमस्कार करता हूँ। हे रघुपति राघव, आखिर आप मेरी कितनी परीक्षा देखने चाहते हैं? कुछ समझ नहीं आता। जो महान होते हैं उनको कठोरता शोभा नहीं देती। इस पर कुछ विचार कीजिए, मैं दीनता से आपको पुकार रहा हूँ। हे जगतपति, मुझे धोखा मत दीजिए, इस मुझ पर कृपा करिए। एक बार महाराज शेगांव में थे। उस समय काशीनाथ कदरे, जो खंडेराव का पुत्र था, महाराज के दर्शनार्थ शेगांव आया। मूर्ति देखकर उसको बड़ा आनंद हुआ। उसने समर्थ चरणों को वंदन किया। उसके मन में विचार किया था कि पिताजी ने जीवन मुक्त के जो लक्षण अनुभव किए हैं और लिखे हैं, उनकी साक्षात मूर्ति महाराज है। मेरा भाग्य धन्य है जो खामगांव से मैं महाराज के दर्शन को आया, वह सार्थक हो गया है। तब समर्थ ने लीला की, उस पर कृपा करने हेतु कोहने से उसके पीठ पर धक्का दिया और बोले, जा, तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। तार वाला तेरी बाट देख रहा है, इसका अर्थ क्या है? यह रस्ते उसे सुलझा नहीं और महाराज को पूछने का साहस उसे हुआ नहीं, सो चरण वंदना करके खामगांव चला गया। उसे वहां पहुंचते ही तार वाले ने तार उसके हाथ में दे दी, कहा कि तार है। वह खोलकर देखा तो पता चला कि उसकी नियुक्ति मोर्शी तालुके में मुंसिफ रूप में की गई है। यह देखकर उसे अत्यंत आनंद हुआ और कोहनी के धक्के का और महाराज के कथन की मंशा समझ में आ गई। देखिए, संत को ज्ञान कितना अगाध होता है। एक बार समर्थ गोपाल बुट्टी के आग्रह से नागपुर को गए। नागपुर पूर्व काल में भोसले राज्य की राजधानी थी, किंतु आज उस नगर की दैन्यावस्था हो गई है। स्वातंत्रपुरी प्राण निकल गया है। जो वास्तव में स्वामी थे, याचक हो गए थे और विदुषियों की सत्ता नगर इस नगर में हो गई थी। ठीक है, कालाय तस्मै नमः, यह काल की महिमा है। गोपाल बुट्टी का बाड़ा सीताबर्डी विभाग में था। उस विशाल भवन में महाराज को ले जाकर बिठाया जैसे कि बाघ को पिंजड़ में बंद किया जाता है। बुट्टी का ऐसा विचार था कि महाराज को यहाँ सीताबर्डी में रखा जाए, शेगांव न जाने दिया जाए। जैसा अक्रूर ने भगवान कृष्ण को वज्र से मथुरा ले जाकर रखा, ऐसा ही प्रसंग यहाँ हुआ। शेगांव सुन पड़ गया था। सब लोग हरिपाटिल से प्रार्थना करने लगे कि महाराज को ले आओ। जैसे शरीर में प्राण चले जाने पर शरीर प्रतिवत हो जाता है, वही अवस्था शेगांव की हो गई है। अब गांव के अधिकारी हो, बुट्टी बड़ा साहूकार है, हमारी दाल उसके सामने नहीं गल सकती, क्योंकि हाथी ही हाथी से टक्कर दे सकता है। वहाँ सियार की गति नहीं चलती। जैसे लंका में जम्बू माली से लड़ने के लिए हनुमान जी ही योग्य थे और कर्ण को जीतने के लिए अर्जुन ही योग्य था, सो आप नागपुर जाकर महाराज को लाकर सबको आनंदित करिए। इधर महाराज की बूटी के घर में विमनस्क थी। जैसे हस्तिनापुर में श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं था, महाराज बूटी से बोले, हमें शेगांव जाने घर के विमनस्क ही थे। जैसे हस्तिनापुर में श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं था, महाराज बूटी से बोले, हमें शेगांव जाने दो, इस विशाल भवन में मत रुको। किंतु बूटी उसकी बात की ओर ध्यान नहीं देकर टालता जाता था। वह भक्त जरूर था, किंतु उसका घमंड गया नहीं था। वह वहाँ पर प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन करवाता था। शेगांव के लोग वहाँ दर्शन को जाते तो उन्हें जाने न देता था, क्योंकि धनिक के घर अनुज्ञा बिना कोई ना ही जा सकता था। शेगांव से कई लोग महाराज को लाने गए, किंतु उनका कोई उपाय न चला। इधर हरिपाटिल कुछ लोगों के साथ लेकर महाराज को लाने शेगांव से गए। उसी समय नागपुर में महाराज बूटी से बोले, अरे गोपाल, हरिपाटिल शेगांव से हमें लेने निकल पड़ा है, उसके यहाँ आने से पहले हमें जाने दो। यहाँ आने पर शांति नहीं रहेगी, क्योंकि वह ठहरा अधिकारी वह बाहुबल से जाएगा। हरिपाटिल वहाँ पहुँचने पर फहरीवाल सिपाही ने उन्हें रोका, किंतु उसकी परवाह न करके वह महल में प्रविष्ट हो गया। उस समय ब्राह्मण भोजन के लिए ब्राह्मण लोग वहाँ महल में आए थे। सबको चांदी की थालियाँ, द्रव्य पदार्थों के लिए चांदी की कटोरियाँ रही थी। बैठने के लिए सीसम लकड़ी के पीढ़े डाले गए थे। नाना प्रकार के पदार्थ भोजन में थे। मध्य स्थान में महाराज को पीठे पर बैठाया गया। इस प्रकार बूटी की धन्यता का वर्णन मैं कहाँ तक करूँ। उस समय उसे नागपुर का कुबेर कहा जाता था। जब हरिपाटिल भवन में महाराज को लेने पहुंचे, तो महाराज दौड़ते हुए उससे मिलने दरवाजे पर आए, जिसे गाय बछड़े के लिए दौड़ती है, और बोली, हरि चलो शेगांव चलते हैं, यहाँ मुझे बिल्कुल नहीं रखना, तुम मुझे ले जाने आए हो, यह बड़ा अच्छा हुआ। ऐसा कहकर समर्थ जाने लगे।
जो देखकर बूटी चरण पकड़कर प्रार्थना की, गुरुदेव इस प्रकार कार्य का विक्षेप न करें, दो कौर भोजन करके फिर इच्छित स्थल को जाए। और हरि पाटिल से विनयपूर्वक प्रार्थना की, आप भी प्रसाद ग्रहण करके फिर जाए, आप मेरी ही लज्जा की रक्षा कर सकते हैं। यदि समर्थ अभी चले गए तो सब लोग बिना भोजन के घर चले जाएंगे और नागपुर में मेरी निंदा होगी। उस प्रार्थना को स्वीकार कर महाराज भोजन होने तक वहाँ रुके। महाराज के साथ शेगांव के सब लोग पंगत में बैठे, भोजनोत्तर जाने की तैयारी की गई। उस समय दर्शनार्थी की बड़ी भीड़ हुई। बुटी की पत्नी, जिसका नाम बानकाबाई था, वह परम भाविक थी। उसने महाराज के चरण पकड़ प्रार्थना की, महाराज मेरा मनोरथ मन में ही मन रह जाता है। सुनकर महाराज ने उनके मस्तक पर कुमकुम तिलक लगाया और कहा, मैंने तेरा मनोरथ जान लिया है, तुम्हें एक परम सद्गुणी पुत्र होगा और अंत में तुम सौभाग्यवती ही वैकुंठ को जाओगी। इस प्रकार का आशीर्वाद देकर दयागन सीतावर्टी से निकलकर रघुजी भोसले के यहाँ जाने का निकली। यह रघुजी भोसले बड़ा उदार मन का राजा था, जिसने अपने शुद्ध आचरण से भगवान राम को प्रसन्न रखा था। उसका लौकिक राजस्व जो ही अशाश्वत होता है चला गया था, किंतु अलौकिक सद्गुरु भक्ति रूप राज्य शाश्वत उसने घर था। उसके महाराज का उत्तम प्रकार सत्कार यथावत किया, पवनाई की। तदनंतर महाराज रामटेक को गए, वहाँ श्री रामचंद्र का दर्शन करके हरि पाटिल के साथ शेगांव में मठ आ गए। धार कल्याण के रंगनाथ स्वामी, जो मोगलाई के प्रसिद्ध संत थे, शेगांव में महाराज को मिलने आए। उन दोनों ने सांकेतिक रूप से अध्यात्म चर्चा की, जो जानता लौकिक लोगों को असंभव था। श्री वासुदेवानंद सरस्वती, जिनकी किनारे पर बड़ी प्रसिद्धि है, जिनका जन्म में मानगांव नामक स्थान में हुआ था, उनके आने के पहले महाराज बालाबाऊ से कहा, रे अरे बाला, कल प्रातःकाल मेरे एक बंधु मुझसे मिलने आ रहे हैं, उनका आदर करना, वो बड़े ही कर्मठ है, सो मार्ग में चिंदी न रखना, सब परिसर स्वच्छ रखो, यदि कहीं चिंदी दिख गई तो वो क्रोधित होंगे, वो साक्षात जमदग्नि की दूसरी प्रतिमा है, वह बड़ा शुचिर्भूत ज्ञान संपन्न कन्हाड़ा ब्राह्मण है, कर्मठ तक ही उसका कवच है। इस प्रकार का निर्देश बालाबाऊ को पहले दिन ही महाराज ने रखा था। साधारण एक प्रहर के समय वासुदेवानंद सरस्वती मठ में पहुँचे। एक दूसरे को देखकर दोनों हंसे और दोनों को बड़ा आनंद हुआ। एक कर्मकांड का सागर तो दूसरा योगो योगेश्वर, एक सुंदर मोगरा तो दूसरा गुलाब वृक्ष, एक भागीरथी गंगा तो दूसरा गोदावरी, एक साक्षात पशुपति शंकर तो दूसरा शेषनाग नारायण। जब स्वामी मठ में पहुँचे तो गजानन महाराज पलंग पर चुटकी बजाते हुए बैठे थे। उनके आते ही चुटकी रुक गई, दोनों की दृष्टादृष्ट हुई तो स्वामी ने जाने की अनुमति मांगी। गजानन महाराज ने समय सूचक दर्शन गिलाई और संकेत पार स्वामी चले गए। स्वामी के चले जाने पर बालाबाऊ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, गुरुदेव यह देखकर मेरे मन में शंका निर्माण हुई है, जिसका निराकरण करिए। इन वासुदेवानंद का मार्ग अत्यंत भिन्न है, फिर आप इन्हें बंधु कैसे कहते हैं? यह प्रश्न सुनकर महाराज बोले, तूने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। ईश्वर तरफ जाने के तीन मार्ग है, ये तीन मार्ग ज्ञान रूपी गांव में जाकर मिलते हैं। हे राजस, देखने वाले को ये तीनों भिन्न दिखाई पड़ते हैं, वहीं पर गड़बड़ होती है। शुचिता संध्या ज्ञान व्रत अनुष्ठान तथा उपासादि कृत्य कर्म मार्ग है। इन अंगों का पालन करने वाला पृथ्वी पर कर्मण ब्रह्मवेत्वा कहलाता है। इनके यदि न्यूनाधिक होता है तो यह मार्ग नहीं साधता, अतः बड़ी सावधानी पूर्वक आचरण करना चाहिए। इसमें और सावधानी यह बरतनी है कि कभी दूसरे को दुरुत्तर नहीं करना चाहिए। यह भक्ति मार्ग के लक्षण बताता हूँ, सो सुनो। भक्ति मार्ग का आचरण करने वाले का चित्त शुद्ध होना चाहिए, थोड़ा भी मन में मलिन भक्ति मार्ग में नहीं चलता, क्योंकि यदि मन में मलिन हो तो भक्ति रहस्य पतन हो जाता है। इसमें सब प्राणियों पर दया, भगवत चरण में लीनता, श्रवण पूजन में श्रद्धा, मुख से भगवत नाम का जप, यह सब भक्ति मार्ग के अंग है। इनका जो सांग आचरण करते हैं उन्हें ही भगवत दर्शन होता है। यह अत्यंत सरल मार्ग है, दूसरे किसी मार्ग के इसकी तुलना नहीं की जा सकती, किंतु आचरण करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ये कर्म मार्ग से भी कठिन है। जैसे आकाश का सान्निध्य नेत्र को दिखता है पर वह सन्निध्य नहीं है। अब तीसरा मार्ग योग मार्ग बताता हूँ, सुनो। योग मार्ग का विस्तार इन दोनों से अधिक है, परंतु ये विस्तार जहाँ के वहाँ है।
योग साधना के लिए बाहर से कुछ नहीं लेना पड़ता। जो ब्रह्मांड में है वह पिंड में है, सो पिंड के साहित्य से ही योग साधना करना चाहिए। आसन प्राणायाम के अंग, पूरक कुंभक रेचक ईड़ा पिंगला के भेद, धोती ततादि मुद्रादि त्राटकादि जानना आवश्यक है। कुंडलिनी तथा सुषुम्ना मार्ग रथ चक्रों का ज्ञान योग के साधक को हो तो ही योग साधना हो सकती है। इन तीनों मार्ग का अंतिम फल ज्ञान ही है, किंतु वह ज्ञान केवल शुष्क ज्ञान नहीं बल्कि प्रेमयुक्त अर्थात रसयुक्त होना चाहिए। भगवान व्यास ने भागवत में कहा है, नष्कर्म मप्यच्युत भावम वर्जितम न शोभते ज्ञानम मलम निरंजनम। जो जो कृत्य प्रेम रहित है वह केवल श्रम मात्र है, अथ तीनों मार्ग में प्रेम आवश्यक है। कृष्ण गौर ऊंचा बौना सुंदर कुरूप आदि उपाधियां शरीर की है, आत्मा की तो इनकी बाधा नहीं है। इसी प्रकार इन तीनों की स्थिति है, यद्यपि इनके बाह्य स्वरूप भिन्न है परंतु इनका मूल स्रोत एक ही है। जैसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर मार्ग का विचार नहीं करता, मनुष्य जिस मार्ग पर चलता है उसे वही महत्वपूर्ण लगता है। पंथ चलने लगा किंतु लक्ष्य पर नहीं पहुंचा, ऐसे लोगों की संप्रदाय अभिमान से पंथ अभिमान से होता है। इन तीनों मार्ग पर चलकर लक्ष्य पर पहुंचने वाला संत होते हैं, उसमें फिर द्वेत नहीं रह जाता। जिससे पुष्प दंताचार्य अपने महिमान में कहते हैं, अर्थात वेदन नयन सांख्यम पाशुपत मत वैष्णव मत इस प्रकार है कि भिन्न भिन्न प्रस्थान केवल भिन्न भिन्न मार्ग मात्र है। भिन्न भिन्न रुचि वाले लोगों के सीधे और टेढ़े मार्ग रुचि के कारण, किंतु सबका गंतव्य स्थान एक ही होता है। जैसे सरल और वक्र मार्ग से बहने वाली नदियाँ अंत में समुद्र में ही जाकर मिलती है। वशिष्ठ वामदेव जमदग्नि अत्रि पराशर शांडिल्य ये महर्षि कर्म मार्ग से गंतव्य स्थान पर पहुँचे। व्यास नारद प्रहलाद हनुमान शबरी अक्रूर उद्धव सुदामा अर्जुन और विदुर ये भक्ति मार्ग से भगवान को प्राप्त हुए। गुरुवर्य शंकराचार्य मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ जालंध्र ये योग मार्ग से चढ़े। सो लाभ वशिष्ठ को हुआ वही विदुर को हुआ वही मच्छिंद्र ने भी भोगा है, अतः फल में फर्क नहीं है। इस प्रकार की प्रथा आगे चली, वही कर्म मार्ग की प्रथा का रक्षण श्रीपाद वल्लभ ने किया है। यतिवर नरसिंह सरस्वती ने ऐसे ही आचार्युक्त हो गए, जिनका स्थान गंगापुर में है। बाड़ी और दुम्बर जग विख्यात है। नामदेव सावता ज्ञानेश्वर सेना काहू चोखा महार थानेदार दामाजी पंत भक्ति मार्ग से गए। श्री गोदा में शेख मोहम्मद जालना में आलंदी आनंद स्वामी सुरजी अंजनगांव में देवनाथ योग मार्गी है। ऐसे ही वासुदेवानंद सरस्वती कर्म मार्ग में रत है। मैंने और कई अन्य लोगों से भक्ति मार्ग का आश्रय लिया है। पड़ोस के धोंडी बाबा सोनगीर का नाना जालना के यशवंत राव इनको भक्ति मार्ग साध्य हुआ है। देखो चांदूर तालुके का वरखेड़ गांव का अड़कुजी नामक संत इसी मार्ग से गया है। मुर्रा गांव के संत शिरोमणि झिंगा जी उसी प्रकार नागपुर के ताजुद्दीन भक्ति मार्ग से गए हैं। इन सब संतों का आचरण भिन्न प्रकार का है, किंतु ये सब कैवल्य के अधिकारी हुए। मार्ग चाहे कोई भी हो उसको महत्व नहीं है, जो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है वह कौतुकास्पद है। हम सब बंधु पृथ्वी पर भाविकों को कैवल्य मार्गदर्शन के लिए आए हैं। जिसको जो अच्छा लगेगा वह उधर जाएगा और मोक्ष रूप फल प्राप्त करेगा। उस पंथ का आचरण करके अब कुछ मत पूछना, यह किसी को मत बताना, हमें शांति से यहाँ बैठने दे। पागलपनी आड़ में जिनकी निष्ठा मुझ पर होगी वह मेरा होगा, उसी का कार्य होगा, औरों की हम आवश्यकता नहीं है। जिसको वैराग्य हुआ है उसी को ब्रह्म ज्ञान बताना चाहिए। सावट और तर्कट लोगों को बताने में कोई लाभ नहीं। किसी को कुछ भी बोलने दो, स्वयं शांत बैठना चाहिए, तभी जगत गुरु जगन माता जगन्नाथ मिलते हैं। यह उपदेश सुनकर बाला भाऊ के नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी, सारा शरीर रोमांचित हो गया। प्रेमाश्रु की बाढ़ बहने से रोक न सका, अष्टभाव उत्पन्न हो गए और मन ही मन उसने महाराज को प्रणाम किया और वैखरी वाणी का कार्य समाप्त हो गया। वह जान गया कि सदगुरु गजानन बराड़ का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं। कान्व शाखा की सालूबाई नामक एक ब्राह्मणी महाराज की भक्तनी थी। एक दिन महाराज ने उसे कहा, सालू
आटा और बेसन लेकर तू रात दिन रसोई करके आने वाले को भोजन कराऊँ, इससे तुम्हें भगवान नारायण प्राप्त होंगे। यह सालूभाई मठ में अभी तक है। इसका मायका बैजापुर का है, वहाँ से उसके बाड़े घोड़े हैं। प्रहलाद जोशी को कृपा का योग आया था, किंतु उसके दुर्भाग्य से वह नहीं फला गया। खामगांव के पास जलम नामक का गांव है। तुलसीराम नामक एक व्यक्ति वहाँ का रहने वाला था। आत्माराम नामक उसका पुत्र बड़ा कुशाग्र बुद्धि का था। उसे वेदाध्ययन में बड़ी श्रद्धा थी। वह वेद वेदांग के अध्ययन के लिए भागीरथी किनारे स्थित धर्मपीठ काशी गया। प्रतिदिन भागीरथी का स्नान करता, माधुकरी भिक्षान्न का सेवन कर गृहगृह गुरुगृह श्रुतियों के अध्ययन को जाता था। श्रोतागण विद्यार्थी प्रायः देखा जाता है कि विद्याध्ययन के लिए विदेश जाते हैं और वहाँ विद्या के बजाय विलास करते हैं और विद्या के बारे में कहा है, सुख भोगना है तो विद्या छोड़ दो और विद्या लेना है तो सुख छोड़ दो, क्योंकि विलास से भला विद्या कैसे प्राप्त होती है, जिसे सड़े आम से रस नहीं निकलता। किंतु आत्माराम उन विद्यार्थियों में से नहीं था। वह बड़ा विवेक संपन्न था। उसने विद्याध्ययन पूर्ण कर वह अपने देश आया। यहाँ जाते ही वह शेगांव के महाराज के पास अपनी उपस्थिति जताने आया। उसे बड़ा हर्ष हुआ। यह वेद विवाद था जो महाराज गजानन ज्ञान सविता थे। वह महाराज के सन्निध्य वेद संहिता का पारायण करता था। वह कहीं कहीं त्रुटि करता तो सद्गुरु मूर्ति तत्काल उस त्रुटि सुधारते और आत्माराम के साथ वेद पारायण करते। महाराज का वेद उच्चारण सुनकर विद्वान तन्मय हो जाते, क्योंकि जौहरी के बजाय हीरे की परख नहीं होती। विद्वान ही विद्वान की महत्ता जानते हैं। अंत में आत्माराम महाराज के पास ही आदरपूर्वक रह गया। भला मधुकोश छोड़कर मधुमक्षिका कहीं अन्यत्र जा सकती है? प्रतिदिन सेवा के लिए वह आता और एक ही दिन भी त्रुटि नहीं की। ऐसा वह एकनिष्ठ भक्त था। समर्थ के समीप समाधिस्थ होने पर समाधि के बाद भी पूजा अर्चा का कार्य मठ के बिना किसी अपेक्षा से बिना वेतन के करता था। अंत में उसने अपनी संपत्ति महाराज को समर्पित की। अर्थात संपत्ति कुछ विशेष नहीं थी, थोड़ी सी जमीन और घर। यहाँ मूल्य सवाल का नहीं है, मन की उदारता और विवेक का है। जैसी शबरी बिल्ली ने भगवान राम को जूठे बेर देकर वश किया था, वही भाव यहाँ है। महाराज को सर्वस्व समर्पण करने वाले भक्तों में दत्तात्रेय केदार स्वामी, दूसरा नारायण जामकर जिनका केवल दूध ही आहार करते थे, ये स्वामी की एकनिष्ठ भक्त थे रहे। इन्होंने अपना तन मन धन स्वामी को समर्पित किया। बालापुर तालुका में मोरगांव भागरे नामक गांव है। वहाँ का रहने वाला मारुति नामक पटवारी था। उसका थोड़ा वृत्तांत बताता हूँ। इस मोरोपंत के खेत में पीक का संरक्षण करने के लिए तिमाजी नामक रखवाली था। वह एक बार खलिहीन में गहरी नींद में सो गया। दोपहर बीतने पर कोहरे के गधे 10-20 खलिहन पे आकर अनाज की राशि में मुँह डालकर खाने लगे। वह ज्वार की रास थी। यह मोरवजी पंत महाराज का बड़ा भक्त था। यह अत सद्गुरु को लीला करना आवश्यक थी। क्षण भर में मोरगांव जाकर उन्होंने तिमाजी को पुकार, अरे रास में गधे ज्वार खा रहे हैं, जल्दी से उठो। ऐसा जोर कर बोलने पर तिमाजी को उठकर महाराज अंतर्ध्यान हो गए। तिमाजी ने उठकर देखा तो गधे रास में लगे थे, अनाज खा रहे थे। सो बड़ा घबराया। अब मालिक क्रोध करेगा, मुझे रक्षा के लिए रखा है और आज तो उसका विश्वासघात हो गया। मैं सो गया और आधी रास खा गए हैं, अब मैं मालिक को कैसे समझाऊंगा? उस जमाने में सेवक नीतिवान होते थे, उनके नीति का बंधन था। आज के सेवक केवल वेतनधारी है, नीतिमान लवलेश नहीं है। मालिक में लाभ हानि की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। तिमाजी ने सोचा, मालिक को सत्य निवेदन करूंगा और गलती के लिए क्षमा याचना करूंगा। ऐसा सोचकर वह प्रातः गांव में आया और मोरोपंत के पैर पकड़कर कहने लगा, महाराज मुझे नींद लग गई, उसमें बड़ा अनर्थ हो गया। 10-20 गधों में रास में से अनाज खा लिया, कितना नुकसान हुआ यह चलकर देखिए तो मुझे संतोष होगा। यह सुनकर मारुति ने कहा, इस समय खलिहान में आने के लिए मेरे पास तिलभर ही समय नहीं है। मैं शेगांव महाराज के दर्शनार्थ जा रहा हूँ, सतगुरु के दर्शन करूँगा और कल सुबह खलिहान में आऊँगा, तब देखूँगा। ऐसा कहकर मारुति पंत शेगांव आया और दर्शन में मठ में गया।
प्रातः 10-11 का समय था। महाराज अपने आसन पर बैठे थे, सामने जिगू पाटिल और उसके सामने भगत बाला वो हाथ जोड़े खड़े थे। मारुति ने जब दर्शन लिया तो महाराज ने हंसकर कहा, अरे तुम्हारे लिए मुझे रात में त्रस्त होना पड़ा, तुम लोग मेरे भक्त बनते हो और मुझे काम में जोतते हो, सोने वाला नौकर रखते हो और स्वयं आराम से घर में सो जाते हो। कल रात को तिमाजी रात को खलिहान में सो गया, गधे रास खाने में लगे, तो मैंने तिमाजी को जगाया और रास का रक्षा करने के लिए बताया। यह सुनकर मारुति ने महाराज के चरणों पर सिर रखकर कहा, भगवान हम लोगों का आपका ही आश्रय है, बालपन में सब बोझ कर माता पर होता है, आपके बजाय दूसरे किसी पे सत्ता नहीं है, प्रभु जो कुछ भी हमारा है वह सब आपका ही है, खलिहान और ज्वार तथा तिमाजी रखवाला केवल व्यवहार दृष्टि से है, आप तो सारे ब्रह्मांड का संरक्षण करने वाले हो, माता बालकों का संरक्षण करती है, मैं आपका बालक हूँ, इसी कारण मोरगांव जाकर अपने खलिहान में रास का संरक्षण किया, हे स्वामी ऐसी ही कृपा मुझ पर रखिए, मैं उस तिमाजी को सेवा से निकाल देता हूँ। मारुति की इस प्रकार कहने पर महाराज जी बोले, अरे पागल तिमाजी को नौकरी से बिल्कुल नहीं निकालना, उसका रहस्य यह है कि वह बड़ा नीतिवान है, वह खलिहान में गधों को देखकर बड़ा दुखी हुआ, यह मुझे तभी पता चला था, प्रातःकाल वह डरते डरते तुम्हें वृत्तांत बताने आया था, तुमने कहा शेगांव से आने पर खलिहान आऊँगा। यह सुनकर मारुति को बड़ा संतोष हुआ। श्रोतागण देखिए, संत अंतर्ज्ञान से सब कुछ जान लेते हैं। उसके 1800 साल में एक वृत्तांत बालापुर में हुआ सो बताता हूँ। बालापुर में बंसीलाल सुखलाल की एक बैठक थी, उसके सामने महाराज आनंदपुरक बैठे थे, शरीर पर वस्त्र नहीं था, संपूर्ण दिगंबर थे, भाविक जन नमस्कार कर रहे थे, जा रहे थे, वह प्रमुख मार्ग था बाजार का। उस मार्ग में एक पुलिस हवालदार जा रहा था, उसका नाम नारायण आसरा जी था, समर्थ को देखकर उसका सिर चकरा गया, वह कहने लगा, नंगा दूध बैठा है, यह साधु नहीं भोंदू है, जानबूझकर रास्ते में बीज बैठा है, ऐसा कहकर वह महाराज के समीप गया और आय बाइक बकने लगा, नंगे बैठे हो तुम्हें लज्जा नहीं आती, इसका मज़ा मैं चखाता हूँ, कहकर महाराज को छड़ी से पीटने लगा, छड़ी मार के चिन्ह पीठ पर और पेट पर उठाए, किंतु वह हवालदार मारने से नहीं रुका, यह देखकर एक गृहस्थ दौड़कर वहाँ आया, जिनका नाम हुंडीराम था, उनकी दुकान वही थी, वह कहने लगा, हवालदार बिना काम के सत्पुरुष पर हाथ उठाना ठीक नहीं है, इसका विचार करो, संतों का संरक्षण स्वयं भगवान विष्णु करते हैं, कहाँ तुम्हें मार्ग के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते, इस कृत्य से ऐसा लगता है कि तुम्हारा अंत समय आ गया है, क्योंकि रोगी मरण समय पथ्य का उल्लंघन करता है, आज जो भी तुमने किया है वह ठीक नहीं किया, अब तो भी क्षमा प्रार्थना करें। तब हवालदार ने उत्तर किया कि क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यार शायद कहीं जानवर मरता है, यह नंगा दूध बीच बाजार में बैठकर मुंह से वाचाल बातें करता है, ऐसे ढोंगियों का यदि ईश्वर अपराध माने तो फिर न्याय के लिए जगह नहीं रहेगी, आगे यही सत्य हुआ, हवालदार बालापुर में पंचतत्व को प्राप्त हुआ, इतना ही नहीं उनके जितने आप्त थे वो भी एक पक्ष में भस्म हो गए, इसलिए साधु की पहचान हुए बिना संभल कर व्यवहार करना चाहिए। नगर जिले में प्रवरा नदी के किनारे में संगमनेर नामक का एक नगर है, यह बड़ा सुंदर नगर है जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता, यहाँ पर अनंत पंडित नामक कवि हुए, यहाँ पर जाखड़ी नाम का माध्यंदीन यजुर्वेद शाखा का एक ब्राह्मण रहता था, वह गाँव गाँव में फिरकर अपना पेट पालता था, वह घूमते हुए शेगांव आया और समर्थ के दर्शन के लिए मठ में गया, दर्शन करके वह उनके चरणों पर पास बैठा, हजारों लोग दर्शन को आते, कोई ब्राह्मण भोजन कराकर कोई शक्कर बांटकर संकल्प पूरा करते, यह देखकर हरि अपने मन में सोचने लगा, ये ज्ञान सागर है, इनके चरणों के सन्निधि आकर भी मुझे विन्मुख जानना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भाग्य कठिन है, मेरा दैव ही पत्थर है, फिर उस पर दुर्वा कहाँ से उग सकती है, आज भोजन प्राप्त हुआ कल का भरोसा नहीं, ऐसी अवस्था में आज तक मेरा जीवन बीता है, मेरे पास धन संग्रह ही नहीं है, खेतीबाड़ी या मला नहीं है, मैं विद्वान भी नहीं हूँ, सो मुझे कौन अपनी कन्या देगा, हे गजानंद स्वामी सच्चिदानंद दयानंद मेरी संसार सुख की वासना बलवत्तर हो गई है, वह आप पूरी करिए, मुझे पहले पत्नी मिले बाद में बाल बच्चे जो भी आज्ञाधारक हो, ऐसी इच्छा करते ही महाराज ने उसे
उसके ऊपर थूका। मन में महाराज ने सोचा, रसाल वृक्ष खोदकर इससे मुझे बावची मांगी, इसलिए इसके मुख पर थूकना पड़ा। लोग संसार के छुटकरे से उसे के लिए मेरे पास आते, इतना कहकर यहाँ आकर संसार सुख मांगा। क्या उल्टी रीति है संसार की। सब संसार चाहते हैं, सच्चिदानंद की प्राप्ति को ही नहीं चाहता। बाद में जाखड़िया से बोले, तुमने जो इच्छा की है वह तुम्हें प्राप्त होगी, थोड़ा धन संग्रह भी होगा, पुत्र पोत्र होंगे। अब घर पर जाओ, संसार करो और संसार में परमेश्वर का स्मरण रखो, उसे भूलो मत। ऐसा कहकर प्रसाद रूप में उसे थोड़ा धन दिया। बाद में हरि जाखड़ा संगम नर में सुखी संसारी हुआ। भला संत वचन मिथ्या कैसे हो सकते हैं। ऐसे ही रामचंद्र गोविंद निमुनकर नामक ओवर सीवर थे। उनके साथ बाग वासुदेव बेंद्रे नामक एक सर्वेवर था। ये दोनों मुकना नदी पर आए। यह मुकना नाला सह्याद्री पहाड़ के नासिक जिले में इगतपुरी तालुका में है। यहाँ की वनश्री बड़ी संपन्न है, बड़ी सुंदर है। मैं उनके वर्णन कैसे करूँ। मृग शावक निर्भर होकर यहाँ से जंगल में विचरते हैं। फलों से लदे हुए वृक्ष झुके हुए हैं। वन्य पशु चीते सियार तथा पक्षी यहाँ विचरण करते हैं। इस मुकना नाले में एक जल धारा को कपिल धारा यहाँ कहा जाता है। यहाँ पर पर्व काल में भाविक जन स्नान करने आते हैं और आसपार में यह तीर्थस्थल प्रसिद्ध है। विद्वजन ऐसे ही एक पर्वणी में निमंत्रण कर यहाँ स्नान करने आए। इनके थोड़ा योग का अभ्यास था, इनकी इच्छा वह पूर्ण करने की थी। वहाँ के योगी वैराग्य से ये योग का रहस्य पूछने लगे। जिनसे पूछते वह नकार देते, जिससे निमंत्रण हताश हो गए। मन में सोचने लगे, हे भगवान, ऐसा कौन मिलेगा जो मेरा योगाभ्यास पूरा करेगा। ऐसा विचार करते समय कपिलाधार पर उन्हें एक पुरुष दिख पड़ा, जो अधिकारी ज्ञान पढ़ता था, जो आजान भाव था, ऊंचा तथा शांत मुद्रा युक्त था। वह ज्ञानस्थ बैठा था। उसे देखकर निमंत्रकर ने दंड प्रणाम किए। बहुत समय बीत गया किंतु वह योगी कुछ बोलता नहीं था। अस्त समय समीप आ गया, पेट में तिल भर भी अन्न नहीं था। डेरा तो बड़ी दूर की था। ऐसे समय कपिलधारा में तुम्बा तुबो कर जल भरकर गुंजाई से चले। यह देखकर निमंत्रकर बोले, महाराज, मेरा कितना अंत देखिए। यदि आपको कुछ योग क्रिया का ज्ञान है तो मुझे सिखाइए। सो अस्त समय कैवल्यानी ने एक चित्रपट देखकर कहा, ये ले जाकर अपना काम करो, इस पर षोड़ाक्षरी मंत्र लिखा है, वाणी से उसका जप करते रहना। जब से तुम्हें थोड़ा सा योग का ज्ञान होगा। योग मार्ग सब मार्गों से अत्यंत कठिन है। क्या गंगा हिमालय को वेष्टन कर सकता है। शुक्ति क्या मेरु चढ़ सकती है। बड़े कठिनता से यदि यत्न करोगे तो 10-5 आसन आएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और नेति धोती क्रियाएं करके थोड़ी प्राप्ति होगी। जाओ, अब ज़्यादा मुझसे न पूछो। ऐसा कर एक लाल पत्थर उसको दिया और वे अंतर्ध्यान हो गए। वे ही बाद में नासिक के गोदावरी पर मिले, जिन्हें देखकर निमंत्रकर ने चरणों पर मस्तक रखकर प्रश्न किया, महाराज, आपने इस प्रकार मुझे क्यों टाला। आपने अपना नाव गाँव कुछ नहीं बताया। सुनकर आंखें तरेर कर महाराज ने उत्तर दिया, अरे, लाल पत्थर देखकर मैंने अपना नाम तुम्हें बताया। नर्मदा के गणपति लाल होते हैं। तू मूलतः ही जड़ बुद्धि है, जिससे रहस्य न जान सका, इसी कारण मैं तुम्हें पता नहीं चला। मेरा नाम गजानन है, मैं शेगांव का रहने वाला हूँ। धुमाल के घर तक तुम मेरे साथ चलो, वहाँ तुम्हें मैं फिर मिलूँगा। ऐसा कहकर महाराज अदृश्य हो गए। निमंत्रकर चारों ओर देखने लगा, किंतु महाराज कहीं भी दिखाई नहीं दी। अंत में शांत होकर धुमाल के घर आए तो देखा कि महाराज धुमाल के घर में बरामदे में बैठे हैं। तब उन्होंने मौन से ही महाराज की वंदना की और धुमाल को कपिलधारा से यहाँ तक का वृत्तांत बताया। सुनकर धुमाल को बड़ा आनंद हुआ और उसने कहा कि महाराज सर्व सामर्थ्य के सागर है, भला इस योगीराज को वस्तु कमी है। इनकी सत्ता के आगे सर्वभौम सत्ता भी कोई कीमत नहीं। तो महाराज ने जो लाल पत्थर दिया है उसको पीढ़े पर स्नान पूजन अर्चन सद्भाव से किया करो, उसके सामने ही योगाभ्यास किया करो, उसकी कृपा से थोड़ा बहुत योगाभ्यास सिद्ध होगा। आगे चलकर वही बात सत्य हुई, गजानन महाराज की कृपा से निमंत्रकर को योगाभ्यास में थोड़ी बहुत सिद्धि प्राप्त हो गई थी। शेगावराम में तुकाराम कुकाटे नामक व्यक्ति थी। उसके बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। यह देखकर उसने समर्थ के पास संकल्प किया,
गुरुदेव, यदि आप दीर्घायु संतति दोगे तो एक लड़का मैं आपको अर्पण करूँगा। गजानन महाराज ने उसका मनोरथ पूर्ण किया। उसको 2-3 बच्चे हुए और वे जीवित थे, किंतु कोकाटे को अपने संकल्प का स्मरण न रहा। दूसरी संतति का मोह ही भी था। उसका नाम नारायण नामक बड़ा लड़का व्याधिग्रस्त हो गया। बहुत औषधि देने पर भी उसे स्वास्थ्य नहीं मिला। नाड़ी मंद होने लगी, नेत्र तेज क्षीण हो गया, उसकी छाती किंचित धड़धड़ करने लगी और प्रायः मृतप्राय हो गया। ऐसे समय में तुकाराम को अपने किए हुए संकल्प का स्मरण हो गया। उसने प्रार्थना की, गुरुदेव, यदि यह मेरा पुत्र अच्छा हो गया तो आपकी सेवा में इसे अर्पण कर दूंगा। ऐसा उच्चारण करते ही नाड़ी ठीक हुई। उसने धीरे धीरे नेत्र खोले और वह देखने लगा। उसकी व्याधि ठीक हो गई। वह अच्छा हो जाने पर नारायण ने मठ पर लाकर संकल्प अनुसार उसे महाराज को समर्पित किया। ये नारायण अभी तक मठ में सेवाधारी है, सो महाराज के पास किया हुआ संकल्प अवश्य पूरा करना चाहिए। यह बताने के लिए नारायण अभी तक जीवित है। यह संत चरित्र है, कल्पित कादंबरी नहीं है। आगे आषाढ़ मास में गजानन महाराज विट्ठल को मिलने पंढरपुर हरिपातिल के साथ गए। वही सब संतों का ध्येय भक्तों कल्पवृक्ष है। पंढरपुर आने पर चंद्रभागा में स्नान करके विट्ठल दर्शन को गए, जो जगदाधिष्ठान जगतपति है। वेद जिसका निरंतर गुणगान करते हैं, सो रुक्मिणी दयानंद संतों के हृदय में रहता है। उसके दर्शन करके महाराज प्रार्थना करने लगे, हे पंडरीनाथ, हे अचिंत अद्भव, हे भक्तों के परामेश, मेरी विनंती सुनिए। आपकी आज्ञा से मैं आज तक भूमि पर फिरता रहा। जो जो भाविक जन थे उनके मनोरथ पूर्ण किए। अब मेरा अवतार कार्य पूर्ण हो गया है, सो मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ये आप जानते हैं, मैं भाद्रपद महीने में आपके चरणों के समीप अक्षय निवास के लिए वैकुंठ को जाने चाहता हूँ। ऐसी प्रार्थना करके समर्थ ने हाथ जोड़े। विरह असह्य होकर महाराज के नेत्रों से अश्रु आ गए। यह देखकर पास में खड़े हरिपाटिल ने पूछा, गुरुदेव, आपके आँखों में आंसू क्यों आए? क्या मुझसे सेवा में कोई गलती हुई जिससे आपको खेद हुआ? इस पर हरिपाटिल का हाथ पकड़ महाराज बोले, चलो, यह गहन रहस्य है, तुम्हें बताने पर भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। इतना ही बताता हूँ, अब मेरा साथ थोड़ा है। चलो शेगांव, चलो, अपना स्थान है, तुम्हारे पाटिल वंशों को कभी कमी नहीं पड़ेगी। इस प्रकार पंढरपुर तीर्थ करके हरि पाटिल के साथ महाराज शेगांव आए। किंतु हरि पाटिल का मन चिंताग्रस्त हो गया। वह सब लोगों से बोला कि महाराज ने मुझे पंढरपुर में कहा है कि विट्ठल की संगति अब थोड़े दिन की ही है। आगे श्रावण मास समाप्त हुआ, महाराज के शरीर में थोड़ी क्षीणता आ गई। भाद्रपद महीने में महाराज ने सब से कहा कि गणेश चतुर्थी को गणपति विसर्जन के लिए सब लोग मठ में आओ। गणेश पुराण में कथा है, भाद्रपद चतुर्थी को गणपति की मूर्ति बनाकर उसकी यथाविधि पूजा अर्चना करनी चाहिए। नैवेद्य समर्पण करके दूसरे दिन उसका विसर्जन करना चाहिए। वह चतुर्थी का दिन आज आया गया है, वह संपन्न करना चाहिए। इस पार्थिव शरीर को तुम लोग आनंदपूर्वक विसर्जित करना, किंचित भी दुखी न रहना। मैं तुम्हारा प्रतिपालन करने के लिए यही स्थित हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा। शरीर वस्त्र के समान है, उसे बदलना अनिवार्य है, ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है। जो जो ब्रह्मवेत्ता हुए हैं उन्होंने ऐसा ही किया है, उसी तरह मैंने यह शरीर बदलता है, यह मत भूलो। चतुर्थ का संपूर्ण दिन बड़े आनंद से बीता था। बालाभाऊ का हाथ पकड़कर अपने आसन पर बैठकर महाराज बोले, मैं गया ऐसा न समझना, मैं यही पीर हूँ। भक्तों को अंतर मत देना, मेरा विस्मरण न करना। ऐसा कहकर योग से प्राण का निरोध करनी, महाराज ने उसे मस्तक स्थिर किया। जैसा गीता में कहा है, प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलन बलेन चैव भुवोर्मध्यश्च प्राणमावेश्च सम्यक संत परम पुरुषः मुपैति दिव्यम् सर्वद्वाराणि संयम्यं मनु हृदि निरुद्धश्च मूर्धना धायात्मनम् प्राणः मास्तितो योगधारणम्। शके 1832 भाद्रपद शुद्ध पंचमी गुरुवार के प्रथम पराण में प्राणरोधन करके जय गजानन ऐसा ध्वनि करके ये महाराज सच्चिदानंद में लीन हो गए। शेगांव में ही देह की हलचल बंद होगी। स्वामी को समाधिस्थ देख कर लोग
विवल हो गए। वार्ता सारे गांव में फैल गई कि स्वामी समाधिस्थ हो गई। यह सुनकर स्त्री पुरुष हृदय पिटकर रोने लगे। हमारा चलता फिरता श्रीहरि दिनजनों का रक्षण करता साक्षात करी चला गया है। हम लोगों का विश्रांति स्थान सुख का निधि ज्ञान का दीपक काल रूप वायु में बुझ गया है। हे गजानन स्वामी समर्थ अब हमारी रक्षा कौन करेगा। हे पुण्यशील इतनी जल्दी आपने हमको क्यों छोड़ दिया। मारतंड पाटिल हरि पाटिल विष्णु साह बंकटलाल प्रेमी भक्त ताराचंद और श्रीपतराव कुकर्णी सब बट में आए। सब ने मिलकर विचार किया कि आज पंचमी का दिन है आज स्वामी को समाधि न दी जाए सब लोगों को दर्शनार्थ अस्त समय तक राह देखी जाए जिनके नसीब में होगा उन्हें दर्शन होगा सब तरफ वार्ता भेज दी जाए। डोनगांव के एक विद्वान गोविंद शास्त्री थे उन्होंने कहा महाराज के प्रिय भक्तों को दर्शन अवश्य होंगे जब तक महाराज मस्तक में प्राण रखेंगे उसकी प्रचिति देखने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज के मस्तक पर मक्खन रखिए तदनुसार मस्तक पर अलोनी रखा गया तो पिघलने लगा। यह देखकर सब लोग योगराज की प्रशंसा करने लगे। तब गोविंद शास्त्री ने कहा एक दिन की क्या बात है वह वर्ष भर भी इस अवस्था में रहेंगे। स्वामी जी ने सामने हजार तालधारी भजन करने लगे दूर दूर के भक्तों को सूचना दे गई। भजनों वाले ने कई चूथा जमा हुए थे। रास्तों पर स्त्रियों ने गोमय जल से समार्जन किया था। अनेक रंग की रंगवलियाँ निकाली थी मूर्ति रथ में बिठाई गई। बड़े आनंदपूर्वक जुलूस निकाला गया वह रात भर चला जिसका वर्णन असंभव है। जूथ के जूथ भगवान भजन वाले भजन करते और विठ्ठल का जय जयकार करते हुए तुलसी गुलाल बुक्का उड़ाया गया। महाराज फूलों से आच्छादित हो गए। लोग बड़ी बर्फी पेड़े प्रसाद रूप में बांटते जिसकी कोई गणना नहीं थी। कई लोगों ने रुपये भी उछाले। इस प्रकार रात भर जुलूस फिरार कर सूर्योदय के समय मठ में रथ पहुँचा। समाधि के जगह पर मूर्ति रखी गई उस पर रुद्राभिषेक किया गया पंचोपकार से पूजा की गई आरती उतारी गई। भक्तों ने गजानन महाराज के नाम का ध्वनि किया जय जय अवलिया गजानन हे नररूपधारी नारायण अविनाशी आनंद घन परात पर जगतपति आपकी जय हो। ऐसे भजन घोष के साथ आसन पर उत्तराभिमुख मूर्ति रखी गई। शास्त्र निर्देशानुसार सब में अंतिम दर्शन लिए जय स्वामी गजानन का घोष किया। नमक अर्गजा और अबीर के स्थान भर दिया गया। शिला द्वार पर रखकर समाधि स्थल बंद किया गया। 10 दिन तक वहां पर समाराधना की गई। असंख्य लोगों ने महाराज का प्रसाद ग्रहण किया। वस्तुतः संतों का अधिकार अत्यंत श्रेष्ठ होता है जिसके सामने सार्वभौम राजा की भी कोई गिनती नहीं है। यही श्रीदासगण विरजित श्री गजानन विजय नामक ग्रंथ भाविकों को हरिभक्ति का सन्मार्ग बताए उन्हें भक्ति परायण करे। शुभम भवतु श्री हरिहरार्पणमस्तु इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य एकोनविंशाध्याय समाप्त। श्री जय गजानन महाराज की श्री गुरुदेव दत्त श्री श्रीपाद श्री वल्लभ नरसिंह सरस्वती महाराज की जय।